सो फाइनली अब हमारे पास फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की टोटल 10 लाइव एक्शन मूवीज है एंड आज की इस वीडियो में हम इस फ्रेंचाइज को वर्स्ट टू बेस्ट रैंक करेंगे। सो वेल चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो जिससे तुम कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। नाउ नंबर 10 पे है द फेट ऑफ द फ्यूरियस एंड ये मूवी इस पोजीशन पे इसलिए है बिकॉज इस मूवी में काफी ज्यादा पोटेंशियल था बट ये मूवी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड साबित हुई एंड ये मूवी फास्ट फ्रेंचाइज की सबसे बेकार मूवी है। नंबर 9 पे है फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट एंड इस मूवी में सिर्फ कैमियो एंड ड्रिफ्ट के अलावा कुछ भी मेजर एक्शन एंड नॉन स्टॉप फाइटिंग नहीं थी एंड इसलिए ये मूवी नंबर 9 पे रैंक कर रही है। नंबर 8 पे है फास्ट एंड फ्यूरियस 4 एंड ये मूवी ऑफिशियल सीक्वल था फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का जहां कई सारे कोस्टार रिटर्न हुए जस्ट लाइक पॉल वॉकर एंड विन डीजल ईटीसी बट ये मूवी ओवररेटेड थी। वही इस मूवी का एक्शन नॉन स्टॉप था एंड काफी ज्यादा इंसेन भी था एंड इस मूवी के सारे एक्शन सीन ग्रेट एवर मेड थे। वही इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी वंडरफुल थी। नंबर 7 पे है टू फास्ट टू फ्यूरियस जो पॉल वॉकर एंड फास्ट फ्रेंचाइज की सेकंड मूवी एंड ये मूवी उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा कमाल की थी बट ये मूवी उस फ्रेंचाइज से काफी ज्यादा ऑपोजिट नजर आती है। बट इस मूवी में तुम्हें किसी पे अप्रिशिएट करना हो तो वो है पॉल वॉकर जिनकी परफॉर्मेंस कमाल की थी। नंबर 6 पे है फास्ट टैग जो रिसेंटली रिलीज हुई थी एंड ये मूवी पिछली मूवीज की जगह काफी ज्यादा बेटर लगी। बाय द वे इस मूवी के एक्शन सीन एंड कास्टिंग से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है बट ये मूवी एक ही तरीके से मार खा जाती है एंड वो है कई सारे सब प्लॉट। नंबर 5 पे है फास्ट एंड फ्यूरियस 6 एंड इस मूवी का प्रपोज कमाल का था। वही इस मूवी में मुझे सबसे ज्यादा किसी की परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करनी हो तो वो है विन डीजल। नंबर 4 पे है द फास्ट सागा एंड ये मूवी फास्ट फ्रेंचाइज की 9th मूवी है एंड ये मूवी मुझे इसलिए अच्छी लगी बिकॉज इस मूवी में विन डीजल एंड उसके भाई की बैक स्टोरी दिखाई गई एंड हमें पता चलता है कि आखिर वो क्यों कुटुम कुटाई कर रहे हैं। नंबर 3 पे है फास्ट एंड फ्यूरियस 7 जो तुम मानो या ना मानो बट ये मूवी कमाल की थी एंड इस मूवी का एक्शन सीन वही इस मूवी के स्टंट वही इस मूवी के पुराने एक्टर्स एंड कमाल का स्क्रीन प्ले एंड कमाल की सिनेमेटोग्राफी के चलते हुए ये मूवी बेस्ट एवर मेड थी। वही इस मूवी का प्लस पॉइंट रिवेंज तो इन दोनों के टुकड़ों पे साफ साफ चमक रहा है। बाय द वे ये मूवी तुम्हें कैसी लगी थी मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2 पे है फास्ट एंड फ्यूरियस एंड ये मूवी फास्ट फ्रेंचाइज की फर्स्ट मूवी है जिसने मूवी फ्रेंचाइज की शुरुआत की एंड ये मूवी उस टाइम के हिसाब से ग्रेट एवर मेड थी। एंड नंबर 1 पे है फास्ट 5 एंड ये मूवी ग्रेटेस्ट एवर मेड थी एंड ये मूवी इसलिए नंबर 1 पे है बिकॉज इस मूवी में बेकार का पॉलिटिक्स नहीं है। वही मूवी के पर्पज रॉबरी का था जो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। बाय द वे फास्ट फ्रेंचाइज की तुम्हारी बेस्ट मूवी कौन सी है एंड कौन सी मूवी तुमने थिएटर में जाके देखी वो सब मुझे तुम कॉमेंट में जरूर बताना। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।